Welcome students, in this video on MCQs based on uncontrolled polyphase rectifiers. Student, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ जिसमें हम uncontrolled polyphase rectifiers के कुछ basic MCQs को discuss करेंगे. I humbly request first go through my previous video on three phase uncontrolled rectifier. मेरा जो previous video है जो आपको जिसकी link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले आप वो सर्किट डायग्राम्स, उनके इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स, स्पेशली थ्री फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स जो पावर डायोड बेस्ड रेक्टिफायर्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यूज पे आप अच्छे से अपना कमांड ला पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी क्वेश्चंस एंड देयर ऑप्शंस. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the process of diode based rectification the alternating input voltage is converted into. question hai ki diode based rectification mein alternating input jo hai alternating input voltage wo kis mein convert hota hai. kuch options hain jisme mujhe do uncontrolled aur do controlled quantity ke bare mein bataya hai. uncontrolled mein hai uncontrolled alternating output voltage and uncontrolled direct output voltage, और कंट्रोल्ड में भी सेम कंट्रोल्ड अल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज और अनकंट्रोल्ड डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज. तो एज वी नो रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है एसी को डीसी करना, यानी अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना. और हमने यहाँ पे डायोड यूज किया है, एससीआर यूज नहीं किया है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज एन अनकंट्रोल्ड डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द करंट एंड वोल्टेज बोथ आर बाई डायरेक्शनल, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर यूनिडायरेक्शनल. करंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल बट द वोल्टेज कैन बी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल. एंड लास्ट ऑप्शन है, करंट कैन बी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल बट द वोल्टेज इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है. जैसे ऑप्शन है कि करंट और वोल्टेज दोनों बाई डायरेक्शनल होते हैं, या करंट और वोल्टेज बोथ आर यूनिडायरेक्शनल, दोनों यूनिडायरेक्शनल हैं, या सी ऑप्शन है करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है बट वोल्टेज जो है वो बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल कोई भी हो सकता है. और ऐसे ही लास्ट ऑप्शन है, करंट कैन बी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल बट द वोल्टेज इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. यानी कि यहाँ पर जो भी बात है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट जो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज और लोड में से जो करंट मिलता है उसकी यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. और हमें पता है कि रेक्टिफायर जो है उसमें हम आउटपुट में ऑलवेज डीसी करंट लेते हैं, डायरेक्ट करंट लेते हैं. यानी कि जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी लोड में से जो पास होगा वो, बट जो लोड के अक्रॉस के जो वोल्टेज हैं उसमें हमें दोनों डायरेक्शन यानी कि दोनों पोलारिटी देखने को मिलती है. तो इस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन सी, करंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल बट द वोल्टेज कैन बी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. द आउटपुट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर इज 300 वॉट, 400 वॉट, 500 वॉट एंड 600 वॉट. यहाँ पे ये सिंगल फेज रेक्टिफायर की बात है जिसमें 1 किलोवाट जो है वो हीटर का रेटिंग है और हमें जो पावर डिलीवर होगा हीटर को 230 वोल्ट सप्लाई के साथ वो कितना होगा वो हमें बताना है. तो आंसर 500 वोल्ट आएगा जिसमें आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं. और मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आंसर 500 वोल्ट कैसे आएगा. ओके, सिंपल एक फॉर्मूला है जिसमें आपको वैल्यूज रखनी है और ये आंसर निकालना है. तो ये काम मैं आप पे रखता हूँ, आप मुझे इसका आंसर डिस्कस करके बताइएगा. नेक्स्ट, अ सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट टाइप डायोड रेक्टिफायर रिक्वायर्स डैश नंबर ऑफ डायोड्स वेर एज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स डैश नंबर ऑफ डायोड्स. यानी कि सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट टाइप डायोड रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे. तो हमको पता है कि सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट टाइप यानी कि सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर जिसमें यूज़ करते हैं उसमें दो डायोड यूज़ करते हैं, और जो ब्रिज टाइप हमारा रेक्टिफायर होगा सिंगल फेज जिसमें हम चार डायोड यूज करते हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन,
A single phase full wave rectifier is a single pulse rectifier, multiple pulse rectifier, two pulse rectifier or three pulse rectifier. यहाँ पे question है कि single phase full wave rectifier जो है उसमें हमें कितने pulse मिलेंगे, single pulse, multiple pulse, two pulse और three pulse rectifier. तो हम ये बता सकते हैं उसका output waveform देख के कि जो हमारे output में एक single cycle के लिए दो pulse rectifier में हमें मिलते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन सी, टू पल्स रेक्टिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज गिवन बिलो दैट ऑफ अ. यहां पे एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है जिसमें हमको पहचानना है कि जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी अरेंजमेंट हमको बताई गई है. तो ऑप्शन है कुछ, थ्री फेज हाफ वेव कॉमन कैथोड अरेंजमेंट और थ्री फेज हाफ वेव कॉमन एनोड अरेंजमेंट, थ्री फेज फुल वेव कॉमन कैथोड अरेंजमेंट या थ्री फेज फुल वेव कॉमन एनोड अरेंजमेंट. यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो थ्री फेज हाफ वेव के लिए एनोड कैथोड की अरेंजमेंट के ऑप्शन है और दूसरे दो जो ऑप्शन है वो है थ्री फेज फुल वेव, उसमें भी कैथोड और एनोड के हमारे पास अरेंजमेंट के ऑप्शन है. बट हमको पता है कि जब हम थ्री डायोड यूज़ करते हैं तो हमें हाफ वेव, थ्री फेज सप्लाई के लिए अगर हम थ्री डायोड यूज़ करेंगे तो हमें हाफ वेव आउटपुट मिलेगा. तो फर्स्ट ए या बी दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है. बट यहाँ पे देखिए जो तीन डायोड हैं उनके हमने किस एनोड या कैथोड कौन से टर्मिनल को हमने कॉमन किया हुआ है, तो हमको पता है कि हमने एनोड, तीनों D1, D2, D3 डायोड के एनोड टर्मिनल को हमने यहाँ पे कॉमन किया हुआ है. तो इसीलिए आंसर होगा हमारा बी, थ्री फेज हाफ वेव कॉमन एनोड अरेंजमेंट, ऑप्शन बी. सो मूव अहेड. Next question is, in a three-phase half-wave diode rectifier using three diodes, each diode conducts four. Three-phase half-wave diode rectifier, जिसमें हम three diodes use करते हैं, उसमें हर कोई diode कितने degree के लिए conduct करेगा? तो ये बहुत simple सा question है अगर आपके सामने output waveforms हैं. तो output waveform में आप देख सकते हैं कि हर एक diode जो है वो at a time 120 degrees के लिए continuously conduct करता है. So answer is option B, 120 degrees. Next question, in the below shown diode rectifier circuit, the diodes D1, D2, D3 are connected to phases R, Y, B respectively as shown in figure. The phase sequence is R, Y, B. The diode D1 would conduct from. Students, यहाँ पे देखिए एक आपको circuit diagram दिया हुआ है जिसमें D1, D2, D3 को हम R, Y, B supply से connect कर रहे हैं. फेस सीक्वेंस भी R, Y और B है. तो D1 जो है डायोड वो कितनी डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा? तो सेम हमने जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आउटपुट वेवफॉर्म्स हमने जो डिस्कस किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो D1 डायोड है वो 30 to 150 डिग्रीज के लिए कंडक्ट करता है. तो आंसर आएगा आपका 30 to 150 डिग्रीज, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शोन बिलो डायोड रेक्टिफायर सर्किट, the diodes D1, D2, D3 are connected to phases RYB respectively. The phase sequence is RYB. The diode D3 conducts from. Same previous question के जैसा ही question है, but अभी हमें D1 की जगह पे D3 के conduction के बारे में पूछा गया है. तो यहाँ पे options जो हैं उसमें से हमको कोई एक option select करना है. तो easily अगर हमारे पास output waveforms हैं, ये three phase half wave rectification के जो circuit diagram है और उसके आउटपुट वेवफॉर्म्स जो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो D3 डायोड है वो 270 to 390 डिग्री कंडक्ट करता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट डायोड, इससे पहले जो हमने देखा D1, वो 30 to 150 डिग्री कंडक्ट करता है. उसके बाद नेक्स्ट 120 डिग्री के लिए D2 कंडक्ट करेगा, यानी 150 to 270, और उसके बाद का जो 120 डिग्री का पोर्शन है उसके लिए D3 कंडक्ट करता है, यानी कि 270 to 390. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 270 to 390 डिग्रीज. यहाँ पे ये आप मार्किंग गलत की हुई है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 270 to 390 डिग्रीज. प्लीज माइंड दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्री फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर यूजिंग थ्री डायोड्स, ऑप्शन ए ऑल डायोड्स कंडक्ट टुगेदर, ओनली टू डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम, ओनली वन डायोड कंडक्ट्स एट अ टाइम, none of the above mentioned. Three phase half wave diode rectifier
जिसको हम 3 डायोड्स को यूज़ करके बनाएंगे, उसमें इन 4 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट, ऑल डायोड्स कंडक्ट टुगेदर, जो नहीं होता है हमें पता है। सेकेंड, ओनली 2 डायोड्स कंडक्ट एट ए टाइम, वो भी नहीं होता है। और 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली 1 डायोड कंडक्ट्स एट अ टाइम, यस इट इज़ अ करेक्ट कंडीशन। सो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली 1 डायोड कंडक्ट्स एट अ टाइम, यानी कि एक ही डायोड एट अ टाइम कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज हाफ वेव 6 पल्स मिड पॉइंट टाइप डायोड रेक्टिफायर, ईच डायोड कंडक्ट्स 4। 3 फेज हाफ वेव 6 पल्स मिड पॉइंट टाइप जो डायोड रेक्टिफायर है, उसमें हर एक कोई डायोड कितने डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। ऑप्शन है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने 3 फेज हाफ वेव 6 पल्स मिड पॉइंट टाइप डायोड रेक्टिफायर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आउटपुट जो वेवफॉर्म है उसमें हर कोई डायोड 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्किट डायग्राम शोन इन दैट शोन बिलो इज दैट ऑफ अ, ओके ये जो सर्किट डायग्राम आपके सामने है वो किस सर्किट, ये सर्किट डायग्राम है उसका नाम क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 6 डायोड्स हमने यूज़ किए हैं और 3 फेज सप्लाई हमने इनपुट में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर कैसे बनता है, उसमें आपको ये सर्किट डायग्राम दिख जाएगा। तो एक तो रेक्टिफायर है, बाकी जो ऑप्शन है उसमें इन्वर्टर और रेक्टिफायर से इन्वर्टर तो आ ही नहीं सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 डायोड यूज़ किए हैं, इसीलिए हमें 6 पल्स आउटपुट में मिलेंगे, क्योंकि एट ए टाइम हर जो है 2 डायोड कंडक्ट करेंगे तो 2 पल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक पूरी साइकिल के लिए 3 डायोड और एट ए टाइम 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, तो आउटपुट में आपको 6 पल्स मिलते हैं। तो ऑप्शन होगा 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर। नेक्स्ट, फ्रॉम द डायोड रेक्टिफायर सर्किट शोन बिलो विथ फेज सीक्वेंस RYB फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 150 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जो 3 फेज 6 पल्स रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, तो उसमें RYB सप्लाई जब हम देंगे तो 150 टू 270 डिग्री के लिए कौन सा डायोड कंडक्ट करता है। तो हमको पता है कि एट ए टाइम 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ हैं D1, D2, D3 और नन ऑफ द डायोड्स कंडक्ट। तो हमको पता है कि अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो 150 डिग्री टू 270 डिग्री के लिए डायोड D2 कंडक्ट करता है, और भी एक डायोड करेगा D4, D5, D6 में से, बट वो हमारा ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, D2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर इज शोन बिलो विद फेज सीक्वेंस RYB, द नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स D4, D5, D6 कंडक्ट्स इन सीक्वेंस फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सेम 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर हमको दिया हुआ है, जिसमें हम इनपुट फेज सीक्वेंस RYB रखेंगे, तो जो नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स D4, D5, D6 जो हैं वो किस सीक्वेंस में कंडक्ट करेंगे वो हमें बताना है। तो अगर आपको आउटपुट वेवफॉर्म्स पता है, उसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप बता सकते हैं कि जो नेगेटिव कंडक्टिंग डायोड्स हैं उनका सीक्वेंस होगा D5, D6 और D4। अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री से स्टार्ट करें तो आपका सीक्वेंस रहेगा D5, D6, D4। सो आंसर इज बी, D5, D6, D4। सो इन प्रैक्टिस द आउटपुट फ्रॉम द डायोड रेक्टिफायर हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आउटपुट जो है डायोड रेक्टिफायर का उसमें क्या होता है। ऑप्शन हैं AC components only, DC components only, AC plus DC components and D none of the mentioned। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो डायोड का आउटपुट होता है वो हम देते हैं फिल्टर सर्किट को, ताकि वो जो आउटपुट जिसमें हमें AC plus DC दोनों कंपोनेंट है उसमें से हम AC component को रिमूव कर पाए और हमें प्योर DC components मिले। सो ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन सी, AC plus DC components। डायोड रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें AC plus DC दोनों कंपोनेंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही वाक्य का चुनाव करें। फर्स्ट वाक्य है, द AC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर डज द यूजफुल वर्क। हमको पता है रेक्टिफायर में हमारी रिक्वायरमेंट होती है DC कंपोनेंट्स की, तो AC कंपोनेंट का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है।
the AC component in the output of rectifier increases the efficiency of the system. तो हमें पता है कि rectifier में हमें AC components जो है वो undesirable रहते हैं, वो हमको नहीं चाहिए, तो वो efficiency को increase तो कर ही नहीं सकते हैं. Then option B is also wrong. Next option C है, the AC component in the output of rectifier causes ohmic losses. Yes, जो आपके output में AC component है जिसकी वजह से ohmic losses होंगे, तो ये option एक सही है. और डी ऑप्शन अगर हम देखें तो एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, तभी तो हमको उसको फिल्टर आउट करके प्योर डीसी हमें मिलेंगे. तो इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कॉजेज ओमिक लॉसेस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन थ्री फेज और पॉलीफेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजिंग पावर डायोड्स. थैंक यू वेरी मच.